फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर मामले दे छे मुलजमां नूं पुलिस दे सख्त पहरे हेठ देर रात महाराष्ट्र तो फिरोजपुर सीआई स्टाफ लियांदा गया है। इस दौरान 6 गड्डियां दे विच 24 दे करीब अधिकारी अते पुलिस मुलाजम मुलजमां नूं फिरोजपुर लेके आए। दस दईए कि इस तहरे कतलकांड बारे SSP फिरोजपुर सौम्या मिश्रा अते होरना वड्डे अधिकारियां दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डे खुलासे कीते गए ने। पुलिस दा कहना है कि हमलावरां दा मुख निशाना मृतक दिलदीप सिंह सी, जिन्हां नाल उसकी पुरानी दुश्मनी सी, जबकि नौजवान लड़की समेत 2 जने अनजाने विच अपनी जान गुआ बैठे ने। दस दईए कि 3 सितंबर नूं फिरोजपुर दे बंसी गेट इलाके दे गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब कंबोज नगर नेड़े मोटरसाइकिल सवार हमलावरां दे वल्लों एक ही परिवार दे 5 मैंबरां ते अन्नेवाह गोलियां चलाईयां गईयां सन। हमलावरां ने 36 दे करीब गोलियां चलाईयां। इस दौरान 3 भैन भरा जसप्रीत कौर, जिसकी उम्र महज 22 साल सी अते उसका व्याह तरिया होया सी, उसके चचेरे भरा दिलदीप सिंह जिसकी उम्र 32 साल अते आकाशदीप सिंह की मौत हो गई सी, जबकि गोली लगन वाले 2 होर लोग लुधियाना के हस्पताल विच जेरे इलाज ने। इस घटना नूं अंजाम देने तो बाद सारे ही मुलजम दिल्ली तो रेलगड्डी राही सीधे नांदेड़ साहिब लई रवाना हो गए सन अते मुंबई जाने दी फिराक विच सी। सारे ने इनोवा टैक्सी किराए ते लई होई सी, जिस लई पुलिस AGTF अते केंद्र दीआं जांच एजेंसियां लगातार सुराग लभ रहीआं सन। ठोस सूचना मिलन तो बाद AGTF पंजाब पुलिस ते औरंगाबाद पुलिस ने इस दी पुख्ता सूचना मिलन तो बाद 7 मुलजमां नूं औरंगाबाद दे इलाके दे विचों काबू कीता सी। जी 3 सितंबर 2024 में फिरोजपुर सिटी के कंबोज नगर एरिया में 6 अननोन असेलियंस आए थे और उन्होंने एक दिलदीप नाम का व्यक्ति जो जा रहा था गाड़ी में उसको टारगेट किया था। उस गाड़ी में उसके साथ 4 और मेंबर्स अवेलेबल थे, उसकी बहन, उसका कजिन ब्रदर और 2 दोस्त। उन्होंने टारगेट किया और टोटल इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। एक दिलदीप सिंह जो उनका टारगेट था, उसकी कजिन बहन और उनका एक दोस्त आकाशप्रीत, इसको छोड़ के जो बाकी 2 थे वो भी काफी ग्रीवियसली इंजर्ड है और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद मानजोग DGP पंजाब पुलिस की हिदायत अनुसार हम सारे जितनी भी टीमें थी, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम, AGTF की टीम, फिरोजपुर पुलिस की टीम, वो सारे एक्शन में आए एंड जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस था, टेक्निकल इनपुट था, CCTV के फुटेजेस थे, उन सारों को लेकर सबसे पहले हम लोगों ने उन असेलेंस को आइडेंटिफाई किया। 6 के 6 लोग आइडेंटिफाई किए। इसके बाद सारी टीमों ने अलग अलग तरह के सोर्सेज और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेके एक बंदा सबसे पहले जो इसमें इनकी रेकी करता था उसको अरेस्ट किया 6 सितंबर को। दिलदीप सिंह वो भी फिरोजपुर का रहने वाला है। इसके बाद AGTF की जो हमारी टीम है उन्होंने मुंबई पुलिस और सेंट्रल सिस्टर एजेंसीज की मदद लेके ये जो 6 फायरर्स थे जो इनको अरेस्ट किया। हाँ जी, इनको जाके इन्होंने औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में जाके वहां पे इन लोग को डिटेन करवाया और फिर उनको अरेस्ट किया और सक्सेसफुली इस केस में जो अननोन हमारे बंदे थे उनको ट्रेस करने और उनको पकड़ने में हम कामयाब रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया जो अरेस्ट हुआ था उसका नाम था दिलदीप सिंह। टोटल 7 अरेस्ट हुए हैं इसमें। उसके बाद दलजीत सिंह जो सबसे पहले थे, उसके बाद रविंदर सिंह इलियास रवि, उनपे पुराने 8 पर्चे हैं, राजबीर सिंह, सुखचैन सिंह, अक्षय जिसपे 1 पर्चा है, प्रिंस और गुरप्रीत सिंह जिनपे और 5 पर्चे हैं, ये सारे अब अरेस्टेड हैं। टोटल 7 लोग इस केस में अरेस्ट हुए हैं और हम लोग बहुत अपना आभार प्रकट करते हैं कि मुंबई पुलिस ने भी हमारा इनपुट था, हमारी AGTF टीम का इनपुट था, पंजाब पुलिस का इनपुट था, उस पर बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और हमारा सहयोग दिया। ये देखिए, इनकी रंजिश कुछ समय से चली आ रही थी। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे विक्टिम भी हैं उनपे भी पुराने 2 मुकदमे, एक 2013 का मर्डर केस है, एक 19 का मर्डर केस है और वो जो डिसीज थे उसके बाद जो ये अक्यूज थे, ये भी नामी, माने ये भी क्रिमिनल्स ही सीखे, तो इनके बीच में काफी टाइम से एनमिटी चल रही थी और इनफैक्ट मई के महीने में इनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था जिसके पर्चे भी दर्ज हैं फिरोजपुर शहर में। तो उसी एनमिटी को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने ये एक्शन लिया है।